नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। पूरे देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इन सबसे इतर आपको थोड़ा समय में पीछे ले जाते हैं। जब अयोध्या मंदिर के लिए आंदोलन चल रहे थे तो उस वक्त तमाम नारे भी चर्चा में रहे थे। राम मंदिर के लिए आंदोलन करने वाले लोग इन नारों को जोश से लगाते थे। हालांकि कई लोग ऐसे नारों को भड़काने वाला भी मानते रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के लिए नारों में शामिल रहे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है कि एक बार फिर गूंज सुनाई दे रही है। वजह यह है कि वाराणसी यानी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद के मामलों को हिंदू पक्ष कोर्ट ले गया है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक ताजा और अहम बयान सामने आया है। दरअसल न्यूज चैनल आज तक से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मसलों पर कोर्ट में चल रहे केस पर अपनी राय दी है। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज चैनल की तरफ से पूछे गए सवाल पर कहा कि हिंदुओं ने अयोध्या के मामले पर भी कोर्ट का फैसला माना और काशी व मथुरा के मामलों को भी कोर्ट के जरिए ही हल किया जाएगा। योगी का यह बयान इस मायने में अहम है क्योंकि तमाम भड़काने वाले लोग आए दिन आरोप लगाते रहे हैं कि जिस तरह अयोध्या के मसले पर हिंसा हुई, वैसा ही काशी और मथुरा के मसलों पर भी हो सकता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में खुलकर अपनी राय दी है, तो इससे तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जाहिर है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद से राजनीति में हलचल तो जरूर होगी। खैर, आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वाराणसी में आदि विशेश्वर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के प्राचीन मंदिरों को ढहाकर यानी तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। दोनों ही जगह वापस लेने के लिए हिंदू पक्ष ने अदालतों में केस रख कर रखा है। इसमें से ज्ञानवापी मामले में कोर्ट की कार्रवाई काफी आगे भी बढ़ी है और वहां के बड़े हिस्से का पुरातात्विक सर्वे भी एएसआई से कोर्ट ने करवाया है। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है और योगी के इस अहम बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।